चलो लेट अस स्टार्ट बेटा प्लीज. फर्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो, देन साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, इसकी वैल्यू स्क्वायरिंग की क्या जरूरत है. जब भी उधर जीरो हो ना, सीधा आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एक ही वैल्यू पे होता है 45 डिग्री. क्यों इतना स्क्वायरिंग के चक्कर में पड़ते हो? तो फिर हम क्या करेंगे, साइन पावर 4 45, कॉस पावर 4 45. साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इज द आंसर. बेटा क्वेश्चंस को समझिए और हैबिट डालिए, ठीक है. चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस सी, इफ साइन ए इक्वल टू कॉस बी, मेरे पास साइन ए इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन 1/2 ए प्लस बी. बिल्कुल साइन ए 1/2 को बता 30 पे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 नहीं, बी की वैल्यू कितनी आ गई 60, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू 1/2 है. ये कितना हो गया 90, या 90/2 कितना हो गया 45. तो दैट मींस टैन 45 की वैल्यू कितनी आ गई. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन. चलिए नेक्स्ट मेरे पास देखिए बेटा, व्हाट इज गिवन. अब आज आपकी टर्न आएगी, आप बार बार कह रही हो ना टीचर्स डे है, तो लेट अस सी आज आप मेरे को एज अ टीचर समझाओ. हाँ, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा, दैट इज √2 साइन 60 माइनस थीटा, इफ इट इज इक्वल टू 1 देन फाइंड थीटा. चलो जी बी एक्टिव अक्षित, चल मेरा बेटा जल्दी बता मेरा बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी जल्दी अक्षित. वेरी इजी, अक्षित कह रहा है कि वैसे मैम मेरे नंबर आ जाएंगे. कितना इजी क्वेश्चन, चलना भैया. वेरी गुड, √2 उधर लेके जाके डिवाइडिंग में हो जाएगा तब. बिल्कुल, तो 60 माइनस थीटा इज 45, थीटा की वैल्यू कितना इजी था अक्षर. नेक्स्ट मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. बी रेडी अक्षित, आपसे ही पूछना मैंने, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा कैसे. दक्ष ने बोला दक्ष इज ऑलवेज नॉट करेक्ट, दक्ष इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, मैं क्लियर कट कह रही हूं. जैसनूर, जैसनूर डोंट से मैम मी, यू आर नॉट द स्मॉल क्लास स्टूडेंट. जैसनूर टर्न बाय टर्न सबकी टर्न आ जानी बेटा. जैसनूर इट इज वेरी इजी क्वेश्चन,
यस, वन बाय टू सीकेंट क्या होता है साइन, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, इतना सोचने में देर लगा रहे, बट मैंने तो उसको कहा आपका सुन के उसने आंसर बोला बेटा, वन तो बोला आया कैसे, आपने नहीं बोला जस्ट लिसन टू द टीचर केयरफुली ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, दे हैव रिटन टेन 60 इज इक्वल टू, ऑप्शन दी हुई है 2 cos ओवर 1 माइनस cos square 30, बी 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan square 30, सी 2 cot थीटा ओवर 1 माइनस मेरे पास जो है cot square 30, और डी 2 साइन 60 डिग्री, कॉट 30 ओवर 1 माइनस कॉट स्केयर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 60 डिग्री, लास्ट ऑप्शन चेक कर लो, और किसी की चेक की, बी ऑप्शन भी बन रही है आप, हाँ जी एक मिनट, साइन 60 की वैल्यू √3/2 कट गया सेक्शन, ये भी तो बन रही है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ बेटा वहां नहीं होती है, बट कई बार अगर डी में मैं लिखती कोई दो ऑप्शंस होती बहुत ए एंड बी, तो करना तो पड़ना ही है ना, टू तो फिर टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, क्या हो गया, बी की कैलकुलेट करके नहीं आ रही है, लेट मी टेल यू, 2 × मेरे पास 1/√3 ओवर 1 माइनस 1/3 ओके 2/√3 और ये हुआ 2/3 कैंसल, ये 3/√3 ये भी तो रूट थ्री आ रहा है, मैंने पता कैसे किया, मैं आपको एक सेकेंड, नहीं नहीं बेटा वो कैलकुलेशंस आप कर लो, मैं आपको एक शॉर्टकट बताने लगी, लिसन इट केयरफुली, कि अगर कई बार ऐसा कुछ हो जो एंगल है यहां पर उसका हाफ एंगल हो, जो एंगल यहां पर है उसका हाफ एंगल यहां हो ना, तो एक फॉर्मूला होता है, बैठ जाओ मैं बताने लगी हूँ, तो मुझे 100% पता था कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया, मैंने फॉर्मूले से, ये प्लस वन में फॉर्मूला बताते हैं, मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशन इजी, लिसन इट केयरफुली, हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2, उधर देख रहे हो, उधर नहीं है वो प्लस टू का फॉर्मूला है इनवर्स का, मैं प्लस वन का बता रही हूँ, ठीक है जी, tan थीटा इज 2 tan थीटा बाय 2 ये एंगल में ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो मैंने बिना कैलकुलेट किए मैंने चेक कर लिया कि मेरा ये आंसर सही था, मैं अड़ी हुई थी इस पे, आपने बोला डी भी है तो मैंने चेक कर लिया, मैंने इसको बिना कैलकुलेशन किए मैं कह रही थी कि ये बी है, आपके पास तो वो मेथड है कि आप पुट करते हो और कैलकुलेशन करते हो, मैंने देखा अच्छा 60 है, 60 को मैं लिख सकती हूँ tan 2 tan हाफ ऑफ द एंगल ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ ऑफ द, नहीं मैं बताती हूँ और भी बताती हूँ, ये समझ आ गई, मतलब बिना कैलकुलेशन किए भी
मैं जज कर सकती हूँ कि ये सही है कि नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा और फॉर्मूला, ऐसे ही साइन थीटा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, एक ये करवाया, एक होता है टू साइन हाफ ऑफ द एंगल कॉस हाफ ऑफ द एंगल, नोट कर लो सारे, आपकी कैलकुलेशन इजी करेंगे। दूसरा मेथड तो आता ही है आपको, आता है ना। अच्छा इसका एक टैन का फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, टू टैन हाफ ऑफ द एंगल ओवर मेरे पास वन प्लस टैन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। देखो दोनों में डिफरेंस सेम है, सिर्फ यहां प्लस, यहां ओ यहां माइनस, यहां प्लस, ओके। अब एक कॉस का भी कराऊं ताकि आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाए, ओके। ये 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 साइन का ही है, ये भी आ सकता है, ये भी, जैसे आप कैलकुलेट करके देख लो, साइन 60 की जो वैल्यू है ना वो 2 साइन 30 कॉस 30 ऐसे दिया हो, आप बिना कैलकुलेशन किए चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर ए ऑप्शन ये दिया है, बी ऑप्शन आपको दिया है, मेरे पास हो गए साइन 60, साइन 60 बाय 2, ठीक है, डी ऑप्शन टैन 30 कॉस 30, ठीक है, ई बस सी नहीं लिखी, चलो सी यहां लिख देते हैं, ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो मैंने तो आंखें बंद करके देख लिया कि अच्छा साइन थीटा है, मुझे बता टू साइन थीटा कॉस थीटा हाफ ऑफ द एंगल होता है, मैं हाफ ऑफ द एंगल बोलती हूँ, ठीक है ना, तो ये इसीलिए, तो मुझे पता है कि टू साइन 30 का 60 का हाफ किया 30 और यहाँ हाफ किया तो 30, वही वाला फॉर्मूला बन गया ना, तो 100% दोनों वैल्यूज ही, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज हर एक के लिए, दीज आर आइडेंटिटीज, जैसे आप ए प्लस बी का होल स्केयर करते हो सबके लिए ट्रू होता है ना, ऐसे ही नहीं है इसके लिए भी ट्रू हो। अगर टैन की फॉर्म में है, क्लियर कट होगा, अगर आप कैलकुलेट कर लो, मेरे पास जो है अगर 60 है, मैं इसको 2 जो है टैन 30 ओवर 1 माइनस टैन स्केयर 30, आप कैलकुलेट कर लो, ये सेम आंसर आएगा, साइन 60 अगर टैन की फॉर्म में देना है, लेट मी शो यू बेटा, वेट वेट, साइन 60 मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टैन 30 ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर 30, कैलकुलेट कर लो, दोनों का आंसर सेम है बेटा, वो तो फिर इसी से इंटरप्रेटेड है, साइन थीटा के दो फॉर्म्स हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा की 4 फॉर्म्स हैं, किसी में भी आंसर हो लिख लो, हाँ ऑब्वियस है, ये भी 1/2 हो जाएगा ना, पर यूज इसी में होती है, तीनों के ही फॉर्मूले होते हैं, सीकेंट को सीकेंट, कॉट को हम पीछे रखते हैं, बनी तो इन्हीं के रेसिप्रोकल से है ना, तो टेंशन क्या, ऑब्वियस है, अगर आपको कॉट का चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 ये नीचे वाला ऊपर या ऊपर वाला नीचे, कॉट के भी कॉट में भी फॉर्मूले है, और इतने ज्यादा आप नहीं लर्न कर पाओगे, क्योंकि हम प्लस 1 में कम से कम 100 फॉर्मूलेज हैं, मतलब 100 पूरे कन्वर्ट करके बनते हैं, वैसे 20-30 फॉर्मूलेज ही, मतलब मैं सारे लिखवाऊं, कॉट का लिखवाऊं, सीकेंट का लिखवाऊं तो बनते हैं, हम इतना नहीं ना अभी लर्न कर सकते, अभी आपके लिए बस इतना ही बहुत है, जो मैं आपको सिर्फ जितना लेवल है आपका जो यूज होने, समझ आ गए। तो एक और कॉज का, कॉज जो है थीटा, अगर टैन की फॉर्म में लिखवाऊं तो वो होता है मेरे पास 1 माइनस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। तभी आप देखो टैन का फॉर्मूला इसी से बनता है ना, अगर मैं साइन की वैल्यू, वेट, साइन की वैल्यू साइन ओवर कॉस करूं, मैंने कोई गड़बड़ी कर दी है, वेट, अगर साइन ओवर कॉस करूं
तो गड़बड़ी हो रही है. फॉर वाई दे हैव स्पेसिफाइड द वे. वेट 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 वेट. कॉस में बेटा यहां माइनस यहां प्लस. मैंने पता कैसे याद किया हुआ था कि साइन और कॉस में नीचे प्लस वाली क्वांटिटी आती, लेकिन टैन में नीचे ये वाली क्वांटिटी आती. ओके क्लियर. कॉस में ऊपर. देन ही अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला बताऊं, अब कॉस का मेरे पास कॉस 60 100% वो 1 माइनस टैन स्क्वायर 30 ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर 30. ओके एक और फॉर्मूला होता है कॉस के, मैंने आपको बोले दो तीन है ना. एक और फॉर्मूला हम बस करें ना बताऊं. अब एक रह गया पुत्र आपकी कैलकुलेशन. कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. ये भी कॉस है. इसके चार होते हैं मैंने आपको बताया. हाँ जी टैन का एक, साइन के दो, कॉस के चार. वो चार पता कैसे बनते हैं है ना. हाँ जी मैं कॉस के ही करा रही हूं बेटा. अब मैं बताऊं अगर मैं कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं ये क्या बन जाएगा. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. ओके अगर मैं स्क्वायर था ना आइडेंटिटी लगा दी. अब अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं, बाहर नेगेटिव था वो प्लस हो जाएगा कॉस, तो इट बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. आई प्लस 1 पढ़ा दी मैंने आपको. वेट 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 बच्चा आपको नहीं याद होते, मैंने कोई कंपल्शन नहीं की, नहीं लर्न कर पाते हो मत करो. आपको सिंपल कैलकुलेशन आती है डू इट विद दैट बस. इज इट क्लियर. कोई मुश्किल नहीं. मैं आपको बार बार कह रही हूं, मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूं कि अगर उन्होंने 90 मिनट्स देने हैं, आई वॉन्ट कि 50 मिनट में मेरे बच्चों का पेपर खत्म हो और 40 मिनट वो क्वेश्चन जो अड़ रहा है या दोबारा रिकॉल करके कर ले बच्चे, तो उसके लिए शॉर्टकट्स आपको हेल्प करेंगे और कुछ नहीं. नहीं करने ना करो, प्लस वन में नॉन मेडिकल पढ़ना है तब तो करना ही है ना. लेट इट बी आपकी मर्जी है, दैट इज नॉट कंपल्सरी. कितने के फॉर्मूले कराए, 4-5 तो फॉर्मूले कराए. ओके समझ आई बात है ना. इट्स अ गिफ्ट फॉर यू फॉर टूडे. हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. हाँ कोई बात नहीं. हाँ जी उसके दो आंसर, वो जो क्वेश्चन कराया था 100% उसके 2 आंसर्स बने. 1, 2, 3, 4 बने तो उससे है, लर्न तो करने ही पड़ेंगे ना. मैंने लर्निंग करने का मेथड भी बता दिया साथ में. ओके क्लियर. चलिए अच्छा था ना टॉपिक आज. चलो दैट हेल्प यू अ लॉट. कहाँ माइनस वन आएगा ही बेटा, जब आप इसको चेंज करोगे तो माइनस वन तो आना ही आना है. पुट करो आइडेंटिटी में. ओके जी फॉर्मूले गलत मत याद करना. अगर नहीं लर्न होते नो नीड टू लर्न, डू इट बाय नॉर्मल मेथड. गलत नहीं करना, करेक्ट आंसर ही ऑप्ट करना. ठीक है जी चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास. लेट अस सी इफ टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा equals to 2. Theta is an acute angle, then tan square theta cube tan cube theta plus cot cube theta की value निकालिए. formula लगा दे, उसका क्या फायदा होगा बेटा. इसको 1 ओवर 10 स्क्वायर कर दे क्या फायदा. यस बिल्कुल सक्षम करेक्ट कर रहा है कि 2 इधर लेके इक्वल टू 0 कर दे. आपको पता tan और cot आपस में रिवर्स होते हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर
square minus 2ab. मैंने अपनी तरफ से कोई चेंजेस तो नहीं की, कुछ नहीं किया. अब मेरे पास तो सॉरी कॉट नहीं यहां ना, ठीक है. अब ये क्या बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी. ये किसका फॉर्मूला है, ए बोटा माइनस टू को ही तो चेंज किया. टेन और कॉट वन नहीं बन जाता, टेन और कॉट आपस में रिवर्स है, वन बन जाता है. तो एक तरह का मैंने चेक कर लिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी बनता है कि नहीं बनता, टू को ही अरेंजमेंट की पता चला बेटा, है ना. अब मेरे पास ये क्या बना, होल स्केयर इक्वल टू जीरो. तो दैट मीन्स टैन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स टैन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा. कब होता है इक्वल, 45 थीटा आ गया. कितना क्वेश्चन इजी हो गया. कॉट 45, वन का क्यूब वन, वन का क्यूब आंसर इज टू. वन प्लस वन भी अब मुझे लर्न कराना पड़ेगा मेरे बच्चों को. नर्सरी में भेज देते हैं, वहां पर भी बच्चों को पता है कि वन चीजी प्लस टू चीजी होगा. मैं उनके लिए इनके लिए बता रही हूँ ना, देवर सिंह मैडम वन प्लस वन वन होता है, तो वन प्लस टू भी इनके लिए टू ही होगा. हाँ ओके जी, तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके चलो, ओके टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.